Everyone, welcome to our YouTube channel CS Sansar, and this is CS Pruthi Mahajan. As you all know, GST के अंदर आए दिन कोई ना कोई changes आते जा रही हैं. तो अगर हम invoicing की बात करें, with effect from 1st October 2022 से अपने पास जो invoicing की limit है, that is 10 crores. तो 10 crores के ऊपर अगर आपकी turnover है, तो उस case में आपके ऊपर invoicing applicable हो रखा हुआ है. तो उसी को लेके हमारे पास क्या था कि 1st जनवरी 2023 से ये टर्नओवर रिड्यूस करके 5 CR तक कर दी जाएगी. तो उसी के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ये जो टर्नओवर लिमिट है हमारी रिड्यूस हुई है या नहीं. ठीक. बिग रिलीफ इन इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी. तो रिलीफ से ही आप समझ गए होंगे कि जो 5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट की जो बात आ रही थी कि 1st जनवरी 2023 से जो इनवॉइसिंग की लिमिट रिड्यूस होने जा रही है वो नहीं हुई है. तो एट प्रेजेंट 10 CR की टर्नओवर के ऊपर ही इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो रही है. तो अभी हम इससे डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि जिनकी 5 से लेके 10 तक है. ठीक है, 10 CR के ऊपर तो एप्लीकेबल हो ही गई. अब जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 to 10 के बीच में है, उनसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि अगर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल क्या हो रही है, अगर हो रही है तो उन्हें अपने सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस करनी है. तो उसको देख के अभी हम देखते हैं. The mandatory invoice requirement has been ruled out in the following manner. तो आपने देखा होगा पहले हमारे पास turnover की limit क्या आई थी 500 CR. More than 500 CR से हमने start किया था, फिर more than 100 CR, फिर 50 CR के ऊपर हो गया, 20 CR के ऊपर हो गया, तो 10 CR के ऊपर with effect from 1st October 2022. यही जो हमारा last financial year था, 20 से उन्होंने कर दिया, mid के अंदर 10 CR कर दिया. तो यही थे rumors उस time पे, यही आवाज थी कि 1st January 2023 से ये जो limit है वो 5 CR के ऊपर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इस समय अभी हम एट प्रेजेंट फेज 5 के अंदर चल रहे हैं जहां पर हमारी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई है अगर हमारी टर्नओवर जो है वो 10 CR के ऊपर है. तो अगर आपकी टर्नओवर 10 CR से नीचे है तो अभी के लिए आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं हुआ है. तो फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022 इफ द एग्रीड टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम 1718. क्यों? क्योंकि जीएसटी आपका कब आया? जुलाई 2017. तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो गई है. तो उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 17/2022 है जो कि डेटेड है 1st अगस्त 2022. तो अगर आपकी टर्नओवर 10 CR के ऊपर है, वो ऑलरेडी 1 अक्टूबर से आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रखी है. तो इसी को लेके कई सारे थे. तो यहाँ पर सीबीआईसी ने ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया. तो उनका ट्वीट अभी हम देखते हैं. सम न्यूज रिपोर्ट्स हैव अपीयर्ड इन मीडिया टुडे सजेस्टिंग दैट दो जीएसटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड रिड्यूसिंग थ्रेशोल्ड फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइस टू ₹5 CR विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2023. द गवर्नमेंट हैज येट टू इशू द नोटिफिकेशन इन द मैटर गिविंग राइज टू अनसर्टेनिटीज अमंग द टैक्स पेयर्स. तो इसके अंदर सीबीआईसी ने क्या ट्वीट करके क्या रिप्लाई दिया है. It is clarified that presently invoicing has been made mandatory for the registered persons having aggregate turnover more than ₹10 CR in any preceding financial from 2017-18 onwards. अगर 1718, क्यों 1718 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी आया, अगर 1718 के बाद किसी भी फाइनेंशियल के अंदर आपकी टर्नओवर 10 CR के ऊपर हो गई तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो रखी है. कब से? 1st अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो रखी है. There is no proposal before the government at present to reduce this threshold limit to ₹5 crore with effect from 1st January 2023. तो उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी अभी गवर्नमेंट के अंदर कोई प्रपोजल नहीं है इस लिमिट को रिड्यूस करने का, as no such recommendation has been made by the GST Council as yet. ना तो कोई उन्होंने प्रपोजल दिए, कोई उनका गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है. तो एट प्रेजेंट हम वही मान के चलेंगे कि जो हमारी लेटेस्ट चेंज हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022 के अंदर, जो जिसके अंदर क्या था कि टर्नओवर अगर आपकी 10 CR के ऊपर है, इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई है, तो अभी एट प्रेजेंट वही चल रहा है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2023 से जो हमारा 5 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस करने का था, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है. 10 CR से ऊपर वालों के लिए ही इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है.
5 से 10 के अंदर जो आ रहे हैं अभी उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो आप लोग अभी आराम से बैठ सकते हो। लेकिन हाँ, जल्दी ही आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बट फर्स्ट 10 से एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।